नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा 4 जून के नतीजों से चला पता, जनता ने पीएम मोदी की गारंटी से इनकार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, भ्रष्टाचार से भरा है बीजेपी का इतिहास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हम करते हैं स्वागत। लोकसभा में बीजेपी की करारी हार, हार के कारणों का पता लगाने में जुटी भाजपा, योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से की अपील, बैकफुट पर न आए। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर खत्म करने की साजिश की जा रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सियासत गर्म, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया साफ, नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के नतीजों से पता चला है कि जनता ने पीएम मोदी की गारंटी से इनकार कर दिया है। रायपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जब आम चुनाव नहीं होते और उपचुनाव होते हैं तब बीजेपी इस तरह से पिछड़ जाती है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 4 जून के नतीजों से पता चला कि जनता ने पीएम मोदी की गारंटी से इनकार कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि भाजपा का जनाधार लोकसभा और राज्यसभा में खिसक रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का इतिहास भ्रष्टाचार का है, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पर्यावरण को लेकर जो भी प्रयास किए जाएं वो स्वागत योग्य है, लेकिन बीजेपी का जो पुराना इतिहास और चरित्र है वो ये कहता है कि 6.5 करोड़ पौधे नर्मदा नदी के किनारे लगाए गए थे, हालत ये हुई कि ना तो पौधा मिला और ना ही पौधों को संभालने वाला कोई मिला। वहीं आगे उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन भाजपा का इतिहास भ्रष्टाचार का है। लोकसभा में करारी हार के बाद भाजपा अपने हार के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील की है। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने काम करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता हासिल करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछले चुनावों के बराबर रहा है। वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास की वजह से कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर खत्म करने की साजिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर खत्म करने की साजिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएं। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो उनका वजन 70 किलो था, लेकिन आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो घटकर 61.5 किलो रह गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल का इतना वजन कम कैसे हुआ, इसकी वजह को लेकर कोई जांच नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों को लेकर हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात जो है वो सामने आई है, जिसको लेकर शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी को इसका पहले से अंदाजा था। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों को लेकर हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस के कुछ विधायकों ने महायुति के समर्थन में वोट डाला। इस मामले पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी को इसका पहले से अंदाजा था। आपको बता दें कि संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी को उस बारे में पहले से अंदाजा था। 2 साल पहले जब MLC के चुनाव हुए थे तब भी इन्हीं लोगों ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार चंद्रकांत हंडारे जी को हराया था। ये लोग टेक्निकली पार्टी में हैं, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है कि ये पार्टी में नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को इशारों ही इशारों में जदयू को ये बता दिया है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। एनडीए में शामिल जदयू इस मांग को लेकर एक बार फिर से मुखर हुई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को इशारों में जदयू को ये बता दिया कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने शनिवार को कहा है कि पहले ही नीति आयोग ने साफ मना कर दिया है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, ऐसे में ये मांग ही उचित नहीं है। हाजीपुर में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में कहा कि नीति आयोग ने साफ मना कर दिया है, अब कोई पत्थर पर कितना भी माथा पीटे ये उचित नहीं है। हालांकि ये भी कहा है कि बिहार के विकास के लिए जितनी योजना और फंड की आवश्यकता होगी पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह ने कहा था कि मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, जिसका जनता राह देख रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कुणाल चौधरी ने कहा कि अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जो गारंटी लेकर गए थे कि 3100 रुपए क्विंटल धान के मिलेंगे और 2700 रुपए क्विंटल गेहूं के मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, जिसकी जनता राह देख रही है। एमपी में जीत पर मनोज झा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बात लोकसभा में भी साफ हो गई थी, लेकिन पीएम मोदी का दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव नतीजों पर राजद नेता मनोज झा ने कहा कि जिन्हें 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है उनमें से एक पर 1000 वोटों का अंतर है और दूसरे में भी मार्जिन लगभग इतना ही है और वो शख्स अभी तक कांग्रेस में था। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये बात लोकसभा में भी साफ हो गई है, लेकिन पीएम मोदी का दिल है कि मानने को तैयार नहीं, स्वीकार करें। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अब से शासन समावेशी हो और जनहित के मुद्दों पर बातचीत हो। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, भाजपा उस पर कभी बात नहीं करती। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद। We'll be right back.